13 महीने पूर्व एक डेड बॉडी मिली थी। ये डेड बॉडी एक अज्ञात के रूप में दर्ज हुई थी, थाना चौबेपुर के अंदर में दर्ज की गई, जांच की गई, मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें बॉडी को आइडेंटिफाई करने की काफ़ी कोशिश की गई। बॉडी लगभग दिसंबर के आसपास आइडेंटिफाई होती है, जिसमें ये पता चलता है कि ये राजाराम नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। जब उनके परिवार वालों से पूछताछ होती थी तो उनके परिवार वाले कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बता पाते थे। डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन के अंदर में भी उसकी माँ ने, यानी जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उनके बच्चों ने ही बॉडी को आइडेंटिफाई किया था। आज उसकी पत्नी और उसका एक जानकार जिसका नाम पनारू पुत्र रामजी है, ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। पूरी विवेचना के बाद में जानकारी में पता चला है कि इनकी पत्नी और पनारू, इनके बीच में ये लोग, पनारू जब भी इनके घर पर आता था तो इसका पति परेशान हो रहता था और कई बार इसकी पिटाई भी, फिजिकल असॉल्ट भी किया था। इसी से दुखी होकर इसने अपने भाइयों को फ़ोन करके, और जब इसके घर पर कुछ दिन पहले जब रेड भी की गई थी तो इससे घर पर पर्ची भी मिली थी, जिसके अंदर में जो कि भाइयों को संबोधित थी, जिस पर लिखा हुआ था कि इसको मेरे बीच रास्ते से हटाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। जब इनसे और सभी अलग अलग आदमी से पूछताछ किया गया तो आज इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। जो इनके भाई हैं कमलेश बाबू, इनकी अभी गिरफ्तारी होना शेष है, बाकी इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 13 महीने बाद में ये केस वर्कआउट किया जाना, जिसके अंदर में पहले अज्ञात डेड बॉडी थी, उसके बाद में ये जान बॉडी के बारे में पता लगाया जाना, और उसके बाद में एक एक एविडेंस कलेक्ट करके, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे फिजिकल एविडेंस हो, चाहे ओरल एविडेंस हो, उसको कलेक्ट करने के उपरांत आज इन व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जाना। निश्चित रूप से थाना चौबेपुर और उनके जो Thank you.